खेल की शुरुआत, पहली गेंद। और कमजोर गेंद, खूबसूरती के साथ निकाल दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन के बाहर, बड़ी बाहर, बहुत आसानी के साथ उसको गैप में निकाल दिया फ्लिक करते हुए। अच्छी शुरुआत करते हुए कुशल, और ये बेहतर लाइन और बेहतर लेंथ पर रखी हुई गेंद इस बार अंदरूनी किनारा लगा है, लॉन्ग लेग मौजूद है, यहाँ पर सिंगल मिलेगा। जगह दे बैठे और उसका पूरा फायदा उठाते हुए कुशल भुरतेल, बिल्कुल गैप में निकाल दिया गेंद को, स्कोर। गेंद स्विंग जरूर हुई थी लेकिन बहुत ज़्यादा जगह दे बैठे थे हाथ खोलने के लिए, पर्याप्त टीम पर जब गेंद लैंड होती है तो वहाँ पर बल्लेबाजों के लिए दिक्कतें ज़रूर आती है। इस बार भी अंदर की तरफ लेकर आए थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा ही लगा था। चौके के साथ नए ओवर की शुरुआत, ओवर्स में बाउंड्रीज आ रही है, फ्रंट फुट से बहुत ही अच्छा ड्राइव, काफी आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक्स ऑन द राइज थे दुष्यंत ने। इस ओवर में अभी तक 4 रन खर्च किए हैं। और बहुत ही कमजोर गेंद और दर्शनीय स्ट्रोक, कवर पॉइंट के ऊपर से जड़ दिया है एक और चौका कुशल भुरतेल ने। बड़ी ही साधारण गेंद थी ये, बहुत ज़्यादा जगह दे बैठे थे, बहुत ज़्यादा रूम था वहाँ पर, और धूम मचाते हुए रूम मिलते ही कुशल भुरतेल। अच्छी शुरुआत की है नेपाल के सलामी बल्लेबाजों ने। इस बार कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास, बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया है, हालांकि आउटफील्ड वहाँ पर ज़रूर स्लो, और गेंद अपने आप ही रुक गई है। ओहो, मौका मिल गया आखिरकार फील्डर को, यानी पॉइंट से पहुँचे खिलाड़ी। ओहो, इस बार रचनात्मक तरीके से शॉट खेला है, शॉट फाइन लेग के ऊपर से और सीधे बाउंड्री के बाहर। देखिए पिछली गेंद जब खेली थी तो उसके बाद ही थोड़ा अभ्यास कर रहे थे इस शॉट का, और आखिरकार खेल ही दिया हाफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर निकलते हुए। बढ़िया ड्राइव, ये गेंद नहीं रुकने वाली है, मिड ऑफ और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के बीच में से खूबसूरत चौका जयमित पटेल, 12 रन आए इस ओवर से। और ये देखिए अंतिम गेंद पर ऑन द राइज, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, थोड़ी सी गेंद हवा में ज़रूर थी लेकिन बल्लेबाज को अच्छी तरह से पता था कि वे क्या कर रहे हैं, गैप ढूंढा था वहाँ पर। दो या तीन अच्छी गेंदें करने से काम बनने वाला नहीं है, लगातार सटीक लाइन और लेंथ पर रखना होगा। इस बार बैट का फेस खोलते हुए दिशा दिखाई है, थर्ड मैन के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए, तब तक बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 रन पूरे मिडल किया है उन्होंने ज़्यादातर गेंदों को। इस बार शॉर्ट आर्म पुल, फील्डर मौजूद है वहां पर डीप में, बढ़िया शॉट, फाइन स्वीप खेला है लेकिन कमाल की फील्डिंग फाइन लेग की दिशा में, पायर ने नॉट आउट घोषित किया है। और इस बार इम्प्रोवाइज शॉट, खुशाल भुरतेल इस तरह के शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, 4 रन मिलेंगे। बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे, हालांकि जोखिम भरे रहते इस तरह के शॉट्स, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए ये शॉट खेला गया है, फाइन लेग ऊपर था उसका फायदा उठाते हुए। और अब की बार ये क्लासिक शॉट ऑन द राइज, ड्राइव किया है स्क्वायर ऑफ द विकेट लेकिन स्वीपर मौजूद है ऑफ साइड में वहां पर। 7.33 रन प्रति ओवर इस समय रन्स बनाए जा रहे हैं, बढ़िया स्वीप शॉट लेकिन प्रोटेक्शन है स्वीप के लिए, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। ये बड़ा ही चर्चा का विषय है, अब की बार जगह बनाई है और निकाल दिया है गैप में, मात्र 5 रन दूर है अपने अर्धशतक से ये चौका शॉट। अब तो जैसे चाहे वैसे शॉट्स खेल रहे हैं, देखिए एक बार फिर से स्वीप निकाला है अपने पिटारे में से कुशल भुरतेल ने, अर्धशतक के करीब पहुंचते हुए 45 पर इस समय भुरतेल। अपिच खेला है लेकिन फील्डर से दूर खेला है, और यहां पर 2 की कॉल, आसानी के साथ 2 रन पूरे करते हुए 47 पर पहुंच चुके हैं कुशल भुरतेल।
क्या फिर से दो की कॉल होगी? जी हाँ, यहाँ पर वैसे जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन थ्रो काफी दिशाहीन और आखिरकार दो रन एक बार फिर से पूरे में टीम गुजरात द्वारा। बेहतरीन शॉट निकल के मारा है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, चार रन और इसके साथ ही अर्धशतक पूरा होता हुआ कुशल भुरतेल का, जबरदस्त पारी। कुशल भुरतेल ढेर सारा मनोरंजन करते हुए दर्शकों का नेपाल के पास। धीमी गति की शॉट बॉल पुल किया गया नबा में, फील्डर है उस ओर लेकिन कोई मौका नहीं फील्डर के पास, जबरदस्त हिट, छह रन। बहुत अच्छी तरह से स्लोवर बॉल को पिक करते हुए पुल किया और डीप स्क्वेयर लेग के ऊपर से गेंद को डिपॉजिट किया मैदान के बाहर। 100 रन पूरे हुए हैं इसके साथ ही टीम नेपाल के मात्र 12 दशा स्कोर बोर्ड पर और कोई विकेट नहीं गिरा है इस बार। थ्रू द लाइन लॉफ्टेड शॉट, लॉन्ग ऑफ मौजूद है, कप्तान है वहां पर उमंग तांडेल। अब बड़े बॉय के हाथ में गेंद थमा दी है कप्तान उमंग ने, आर्या देसाई, और लीजिए उनका भी स्वागत है बड़े स्ट्रोक के साथ, बहुत ही बढ़िया आला दर्जे का ये स्क्वेयर कट भुरतेल के बैट से, चार रन। कुशल भुरतेल शायद बता रहे हैं कि भले आपका आज जन्मदिन है, आपको यदि तोहफा चाहिए तो हम शाम में देंगे आपको, लेकिन फिलहाल मैदान में नहीं। रूम बनाकर शॉट खेला था, ये खराब गेंद नहीं थी लेकिन बनाया गया है, और आपकी बार काफी पीछे रखा था, इस बार हालांकि गैप नहीं ढूंढ पाए। ओवर थ्रो, दो रन पूरे, रन बनाने के मौके चूकते नहीं ये बल्लेबाज, और यहां पर मौका अब फील्डर के पास है, बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही सुंदर कैच जयमालू सरे द्वारा, और ये रही पहली सफलता। आखिरकार पार्टनरशिप टूटती हुई, 125 पर लगा है पहला झटका नेपाल को कुशल भुरतेल के रूप में।